जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे असम के युवा क्रिकेटर और आईपीएल में खासी सुर्खियां बटोर चुके दाएं हाथ के रियान पराग के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट। रियान पराग का जन्म 10 नवंबर 2001 को असम के गुवाहाटी शहर में हुआ। रियान के पिता पराग दास पूर्व स्टेट लेवल क्रिकेटर हैं। उनकी माता मिठू बरुआ दास राष्ट्रीय स्तर की स्विमर रह चुकी हैं। रियान की प्रतिभा इतनी उज्ज्वल थी कि केवल 12 साल की उम्र में उन्हें असम की अंडर 19 टीम में चुन लिया गया। 13 साल के रियान ने अपना प्रथम श्रेणी पदार्पण भी कर लिया। ये सच है कि असम की टीम काफी कमजोर थी, लेकिन फिर भी महज 13 साल में अंडर 19 क्रिकेट खेलना रियान की प्रतिभा को दर्शाता है। 2016-17 का प्रथम श्रेणी सीजन रियान पराग के लिए शानदार रहा और उन्होंने दोहरा शतक भी जड़ दिया। इसके बाद हुई अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी में भी रियान ने अपना फॉर्म बरकरार रखते हुए केवल 4 पारियों में 207 रन बनाए। रियान पराग ने केवल 15 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड अंडर 19 टीम के विरुद्ध खेलते हुए यूथ टेस्ट क्रिकेट का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक केवल 33 गेंदों में बनाया। सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड वर्तमान भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने 2007 में श्रीलंका के खिलाफ केवल 32 गेंदों में ये कर दिखाया था। केवल 16 वर्ष की आयु में पृथ्वी शॉ की कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे रियान पराग को विजेता टीम का हिस्सा होने का सौभाग्य मिला। हालांकि इस विश्व कप के हीरो शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, बंजोत बिस्ला, नागर कोटी और शिवम मावी थे, लेकिन रियान ने भी कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। 2019 के आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स टीम की नजर रियान पराग पर पड़ी और उन्हें 20 लाख रुपए में टीम में शामिल कर लिया। पराग ने भी कई अच्छे प्रदर्शन किए और 2020 के सीजन में भी वे इसी राशि के साथ राजस्थान रॉयल्स में बरकरार रहे। महेंद्र सिंह धोनी ने जब भारत के लिए अपना पदार्पण किया तब रियान पराग केवल 3 साल के थे। पराग धोनी को क्रिकेट में अपना आदर्श मानते हैं। आईपीएल के अपने पहले मैच में ही रियान पराग को धोनी के विरुद्ध खेलने का अवसर मिला और धोनी ने उन्हें विकेट के पीछे कैच आउट भी किया। पराग जब 6 साल के थे तब उन्हें धोनी के साथ ये फोटो खिंचवाने का मौका मिला था। हालांकि रियान पराग अब बालिग हो चुके हैं, लेकिन वो अब भी अपने बचपन के सॉफ्ट टॉयज से बहुत लगाव रखते हैं और क्रिकेट के लिए उन्हें जहां भी जाना पड़ता है वे अपने ये खिलौने हमेशा अपने साथ रखते हैं। था इस वीडियो का अंत। क्रिकेट से जुड़े अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद।